हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? बिल्कुल फिट, वेरी गुड। तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम के बारे में भी जिक्र किया था। और एक चीज, क्योंकि हमने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया था उसके अंदर कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम चीज़ों को और क्लियर कर सकते हैं। हालांकि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, कुछ आप खुद से भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन एक क्वेश्चन जो अराइज होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, हम वहां पढ़ते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, दैट मीन्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जब कोई चीज इक्वल एंड अपोजिट होगी तो वो कैंसिल हो जानी चाहिए। जैसे 5 एंड माइनस 5, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इनका जो सम है, इनका जो नेट है, वो जीरो आना चाहिए। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर लिखा है मैंने, आप देखिए, इफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, व्हाई डू दे नॉट कैंसिल ईच अदर? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल क्यों नहीं करते, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं कर लेते हैं? तो आंसर है, बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाए तो उसका नेट जीरो हो सकता है, और तब उस केस में हम उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। लेकिन यहां पर बैलेंस फोर्स का चक्कर नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए मैंने एक्शन किया इधर की ओर 5 न्यूटन, रिएक्शन किया इधर की ओर -5 न्यूटन, तो दोनों का नेट क्या होगा? जीरो। लेकिन ये तब होगा व्हेन इट इज अ सिंगल बॉडी। लेकिन एक्शन और रिएक्शन में क्या होता है? एक्शन रिएक्शन में क्या होता है? एक्शन आप करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिएक्शन लगती है किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर। एग्जांपल, अगर हमें जंप करना है अर्थ से, हमें जंप करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अर्थ को प्रेस करते हैं और फिर खुद जंप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट बॉडी इज अर्थ एंड सेकेंड बॉडी इज अस। दैट मीन्स एक्शन हुआ अर्थ के ऊपर और रिएक्शन हुआ हमारे ऊपर। We have two different objects in this case, earth and us. ठीक है? Similarly, we can have another example. If we are firing a bullet from gun, ठीक है? Bullet को fire किया, तो bullet जब आगे जाती है तो gun पीछे जाती है, it's called recoiling of gun. तो आप सोचो, action हुआ आगे की ओर, reaction से gun पीछे गई, लेकिन दो object है ना, action हुआ bullet पे, reaction हुई gun के ऊपर। क्योंकि दो different objects हैं, एक पे action, एक पे reaction, that's why they are not cancel out each other. लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन रिएक्शन दोनों लग रही होती तो पक्का कैंसिल कर लेते एक दूसरे को, ठीक है? अगर वो इक्वल अपोजिट एक्शन रिएक्शन लगेंगे तो पक्का कैंसिल कर लेते। लेकिन वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इन एवरी केस वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जहां भी एक्शन रिएक्शन लगता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होता है? परफेक्ट आंसर इज दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है? तो क्वेश्चन भी आपके सामने अवेलेबल है, आंसर भी आपके सामने अवेलेबल है। आराम से पॉज करके वीडियो को आप आराम से देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन होता है, तो एग्जैक्टली उसका क्या आंसर पूछा जाता है। इट्स वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन, काफी आता है एग्जाम के अंदर, बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि डिफरेंट बॉडीज के ऊपर काम करते हैं इसलिए कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? आपको एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है बेटा, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एस्पेक्ट को आपको ढंग से पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अ बॉय जंप्स फ्रॉम अ बोट, बोट थी रिवर में चल रही थी, आते 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 जैसी वो शोर पे आई, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई, तो क्या हुआ? बॉय क्या करता है? जंप करता है। उसने जंप किया कि उसको उधर जाना था, तो जैसे वो जंप करता है तो उसके जंप करने से क्या होता है? बोट पीछे चली जाती है। अब देखो एक्शन क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ। एक्शन हुआ बोट पे, क्योंकि उसने फोर्स लगाया बोट पे, तो उससे क्या हुआ? बोट पीछे चली गई। रिएक्शन से क्या हुआ? वो आगे जंप कर गया। तो एक्शन हुआ बोट पे, रिएक्शन हुआ बॉय के ऊपर, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। बाकी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, मैंने आपको ये बताया था कि रोइंग द बोट, अगर हम बोट को चला रहे हैं ऐसे, तो वो भी एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्शन किस पे हुआ, रिएक्शन किस पे हुआ? एक्शन हुआ वाटर के ऊपर, और रिएक्शन किस पे हुआ? हमारे ऊपर, बोट के साथ हम आगे जा रहे हैं। तो एक्शन रिवर के ऊपर हुआ या वाटर के ऊपर हुआ, और रिएक्शन हुआ हमारे ऊपर, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करते एक दूसरे को। बिल्कुल क्लियर है? अब आई थिंक कि आपको सारी चीजें पता लगी होंगी कि एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट होने के बाद भी कैंसिल आउट क्यों नहीं होते, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा, राइट? चलो अब बात करते हैं कि आज हमको क्या करना है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको करनी है। आज हमको करना है एक और डेरिवेशन इस चैप्टर का, जो बहुत डिमांडिंग होता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो प्रैक्टिकली तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दो तरीके के होते हैं, मोमेंटम में दो तरीके होते हैं, बस बता देता हूं अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखो। मोमेंटम लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का होता है जो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। और एंगुलर किसके लिए होता है? एंगुलर होता है विच रिवॉल्व, यानी कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा होता है उसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, एंगुलर मोमेंटम दिस टर्म इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। क्लास 11th में जब पहुंचोगे तो अपने आप सीख जाओगे। बात क्या है? बात यह है कि मैंने बोला मोमेंटम में दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लेकिन क्योंकि हम क्लास 9th में सिर्फ मोमेंटम पढ़ रहे हैं, लीनियर एंगुलर अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिंपल इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अदरवाइज टेक्निकली इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ अलग होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ अलग होता है। लेकिन क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ ही नहीं रहे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिंपली मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे सिर्फ, रोटेशन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। तो आप सुनिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी कंसिडरेशन लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो सपोज वी हैव वन ऑब्जेक्ट जिसका मास था एम ए, एम सबस्क्रिप्ट ए, मैं लिख देता हूं इसको ऐसे, एम सबस्क्रिप्ट ए एम, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट एम सबस्क्रिप्ट बी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस यू ए, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस यू बी। अभी कुछ नोट नहीं करना है, पहले आप समझ ले ढंग से, उसके बाद उसको आराम से आप नोट करेंगे, ठीक है। यू ए यू बी, ओके, एंड दिस इज व्हाट बिफोर कॉलिजन, ये होता है बिफोर कॉलिजन, ठीक है। फिर क्या होता है, एम ए एम बी, दिस इज ऑन कॉलिजन। ऑन कॉलिजन क्या होता है, या एट कॉलिजन, एट कॉलिजन, एट कॉलिजन में क्या है कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे एम ए पे फोर्स लगता है इधर, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाई बी, और इस पे फोर्स लगता है इधर, फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाई बी, ये फोर्स लगता है। ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने के बाद ये पीछे ही जाए, फोर्स पीछे की ओर लगा लेकिन ये रिटार्डिंग फोर्स हो सकता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको ढंग से सुनिएगा। एंड द लास्ट वन इज, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने देखा कि ये हुआ, जो ए ऑब्जेक्ट था, बी ऑब्जेक्ट था, ए ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की ओर, फाइनल वेलोसिटी बी से, एंड बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, फाइनल वेलोसिटी बी से। अब हमारे दिमाग में बात हो सकती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर था, एक ऑब्जेक्ट इधर था, और दोनों टकराए, तो टकराने के बाद आपने लिखा है फोर्स इधर लग रहा है, तो मन में ख्याल आता है कि हो सकता है कि टकराने के बाद ये पीछे चला जाए, इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। जैसे एक कार है और एक ट्रक है, ठीक है, तो जब कार चल रही थी आगे और पीछे से उसे ट्रक टकरा गया, तो क्या होता है, कार की स्पीड इधर की ओर बढ़ती है, ट्रक की स्पीड अभी भी इधर ही रहती है लेकिन स्लो हो जाती है, ट्रक पहले से स्लो हो जाएगा लेकिन चलेगा तो इधर ही। तो इसका मतलब है स्लो क्यों हुआ, स्लो इसलिए हुआ क्योंकि जब कार के ऊपर वो टकराया तो एक्शन उसने किया, तो रिएक्शन लगा ट्रक के ऊपर, रिएक्शन जो ट्रक पे लगा उसने ट्रक, अब सोचो ट्रक इधर जा रहा था, रिएक्शन उस पे इधर लग रही है, तो क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा। एक आगे चलने वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप इधर की ओर धक्का दें, जैसे मान लो मैं इधर दौड़ रहा हूं और कोई मुझे इधर से पुश कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो बात वही है कि ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स इधर लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट इधर ही चल सके, ऐसा तब पॉसिबल है कि जब उसके पास तो पावर ज्यादा है लेकिन फोर्स लगा वो कम लगा, तो धीरे हो जाएगा लेकिन चलेगा इधर की ओर, जैसे मैंने ट्रक और आपको कार का एग्जांपल बताया। हाँ, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर था, एक ऑब्जेक्ट इधर था, दोनों टकराए और हो सकता है वो पीछे चला जाए, लेकिन ये काम मुश्किल है, ये काम तब जनरली होता है जब एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा हो, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा हो, तो टकराने के बारे से, जैसे एक प्लास्टिक बॉल लो,
दोनों प्लास्टिक बॉल को अगर आप टकराते हैं तो वो ऐसे आती है और तब ये उल्टा चली जाती है। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका चांस होता है कि टकराने के बाद भी दोनों सेम डायरेक्शन में ही जाए, उल्टा ना आए। Although the force is acting in this direction, because this force reduces the speed of a ball, लेकिन बॉल रिड्यूस होने के बाद भी उधर ही जाएगी, मतलब स्पीड रिड्यूस होने के बाद भी उधर ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कंसिडरेशन थी, हम कंसिडरेशन का पार्ट लेंगे। दिस इज बिफोर कॉलिजन, दिस इज एट कॉलिजन एंड दिस इज आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, उसके बाद लिखेंगे कंसिडरेशन, फिर बनाएंगे डायग्राम और उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ठीक है, इसको आप साथ साथ कॉपी में लिखते रहे, मैं बोल रहा हूं आपको, आप इसको लिख लीजिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉमा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉमा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आप लिख रहे हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कॉमा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन फुल स्टॉप। दैट इज, that is the total momentum of the system, that is the total momentum of the system remains conserved, the total momentum of the system remains conserved। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये तो डेफिनेशन थी। सबसे पहले मैंने एक जिक्र किया एक चीज का, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग, जिसका किसी चीज से कोई और मतलब ना हो। जैसे आपसे पूछा किसी ने, जैसे मान लिए फ्यूचर में कभी जब आप बड़े हुए और बड़े होने के बाद क्या हुआ, बड़े तो आप अभी भी हो गए लेकिन फिर भी जब आप जॉब करने लगे, ठीक है, तो क्या हुआ कि घर से दूर जाना पड़ा जॉब करने के लिए, राइट। तो आपसे किसी ने पूछा किसी दिन कॉल करके, और बताओ फैमिली कैसे है, फैमिली कहाँ कैसी है, सब लोग ठीक है कि नहीं, तो आपने कहा भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं पाता कि अभी तो मैं आइसोलेटेड रहता हूँ। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि आपका किससे कोई कनेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल अलग हो, ठीक है ना, किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई आपके ऊपर फोर्स लगा नहीं सकता, आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड। जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, वो किसी और के साथ जुड़े हुए नहीं होते डायरेक्ट, वाटर बॉडी के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन वैसे आपको दिखता है कि आप मैप में भी देखते हैं तो आइलैंड आपको अलग सा दिखता है, आइसोलेटेड। और स्पेशली आइसोलेटेड हम उसको बोलते हैं जहाँ कुछ होता ही नहीं है, खाली बिल्कुल, ठीक है बेटा, जिसका कोई लिंक नहीं है किसी के साथ। जैसे नॉर्मल आइलैंड जो होते हैं उनके लिंक तो किसी और के साथ हो सकते हैं, यहाँ का एयरपोर्ट हो सकता है, यहाँ से प्लेन वहाँ से वहाँ जाते हैं, शिप इधर से उधर जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो ना तो वहाँ कोई प्लेन जाता होगा, ना वहाँ कोई शिप जाता होगा, क्योंकि कोई वहाँ रहता ही नहीं है, तो इसका मतलब आइसोलेटेड आइलैंड हो गया। मतलब पता लग गया आइसोलेटेड का, जिसका आपस में किसी से कोई लिंक नहीं होता। तो हम यह बात कर रहे हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हो गया, एक बॉल मेरे पास ये है, एक बॉल ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन इन दोनों बॉल के ऊपर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ये हम मानते हैं। यानी इन दोनों के ऊपर ना कोई फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इन दोनों के ऊपर किसी थर्ड ऑब्जेक्ट का फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी से, कोई रिपल्शन नहीं है किसी से, कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही उस मोमेंट पे, या अगर ग्रेविटी काम भी कर रही है तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है एज सच। जैसे टेबल के ऊपर मैंने दो बॉल, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था स्नूकर बॉल का, पूल बोलते हैं, एक बॉल ये थी एक बॉल ये थी, है ना, दोनों बॉल जब आपस में टकराती है तो ऐसा नहीं कि ग्रेविटी नहीं लग रही है, लेकिन ग्रेविटी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो टेबल के ऊपर रखी है। ग्रेविटी का वो एक्सपीरियंस होती है आपको, तब महसूस होती है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तब वो नीचे जाती है, लेकिन टेबल के ऊपर तो वो नीचे जाती नहीं, आगे चलती है, तो ग्रेविटी होते हुए भी उसका कोई इन्फ्लुएंस नजर नहीं आ रहा होता। तो हम बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है
इन दोनों बॉल का, जिसमें आसपास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है कि इन दोनों बॉल के अलावा हम किसी और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है। इन दोनों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी भी फोर्स के बारे में, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके देन। तो मैंने बताया कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, अगर ये और ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन। अब टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन क्या है, चेक करो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसका अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। इसका मोमेंटम इस टाइम है एम ए इनटू यू ए, इसका मास एम ए, वेलोसिटी यू ए। इसका मोमेंटम कितना है, एम बी इनटू यू बी। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, इफ आई एड देम तो क्या मिलेगा, टोटल मोमेंटम। और टोटल मोमेंटम कब, बिफोर कोलिजन। इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सिमिलरली इसका मोमेंटम कितना आएगा, इसका दिस इज एम ए वी ए, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना आएगा, एम बी इनटू वी बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलता है, टोटल मोमेंटम, कब, आफ्टर कोलिजन। तो आपको ये लॉ ये बोलता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स या व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। तो जितना मोमेंटम पहले था टोटल मिला के, उतना ही मोमेंटम बाद में है, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ इट्स कॉल्ड कंजर्व्ड। अगर किसी चीज में कोई चेंज ही नहीं आता तो हम बोलते हैं कि इट इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, दैट मीन्स द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, देयर इज नो चेंज। बात पता लग रही है, मान लो कि आपने फ्रिज के अंदर कोई एक फूड आइटम रखा, कोई खाने की चीज रखी, मान लो कि आपने क्या किया, एप्पल था, एप्पल के आपने कुछ स्लाइसेस काट के रखी हुई थी, मान लो 8 स्लाइसेस थी, ठीक है। वो था कब, जब आपने फ्रिज में इसको पहले रखा था, आप घूम फिर के आए, बाद में फ्रिज खोला, देखा उसके अंदर अभी भी 8 स्लाइसेस थे। तो इसका मतलब क्या है, टोटल स्लाइसेस बिफोर गोइंग इज इक्वल टू टोटल स्लाइसेस आफ्टर गोइंग। तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज परफेक्ट, इट इज कंजर्व्ड, इसको किसी ने छेड़ा नहीं है, किसी ने खाया नहीं है, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था, इसको इसके अंदर नहीं लिखना। तो मैं बता रहा हूँ, जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था टोटल, उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर आता है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही था आपके पास, ये आता है। और ये कब था, आइसोलेटेड सिस्टम, कोई तीसरे ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट होगा तो वो इसको भी डिस्टर्ब करेगा, इसको भी डिस्टर्ब करेगा, तब कुछ और हो जाएगा, उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपके सिलेबस से बहुत ऊपर की बात है, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवा दिया, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, अब लिखेंगे आप क्या, अब उसके बाद लिखेंगे आप कंसीडरेशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ढंग से आपको कॉपी में इसके नोट्स बनाने हैं, राइट। कंसीडरेशन, अभी डायग्राम नहीं बनाना, पहले कंसीडरेशन लिखो, उसके बाद कंसीडरेशन के डायग्राम बनाना, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, राइट, कंसीडरेशन लिखे, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस एम ए एंड एम बी, टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस एम ए एंड एम बी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज UA and UB, A और B सबस्क्रिप्ट है, नीचे लिखना है, ठीक है। UA and UB along the same direction such that UA is greater than UB. ठीक है, फुल स्टॉप। पहले तो ये समझ लो, तो हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट बी था, ये ऑब्जेक्ट ए था, अब ये भी इधर ही चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में जाके कब कोलाइड कर सकते हैं, अपोजिट पे तो कोलाइड करना आसान है,
लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर कोलाइड करना है तो उसकी एक कंडीशन है. व्हाट इज दैट कंडीशन? द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन दिस. अगर ये 50 से चल रहा है, 40 से चल रहा है तो ये कोलाइड कर सकता है. लेकिन अगर ये 40 से चल रहा है, 50 से, तब तो ये आगे निकल जाएगा, ये इसको कोई भी टकरा ही नहीं पाएगा. तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और पीछे कौन था? फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी तब जाके कोलाइड करेगा. क्लियर है? तो उसको लिखना जरूरी है सच दैट यू ए ग्रेटर देन यू बी. इसी कंडीशन में वो कोलाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है, अब आगे लिखे. ठीक है, फुल स्टॉप आपने लगा लिया था, इसके बाद लिखो. नाउ लेट अस कंसीडर, नाउ लेट अस कंसीडर After collision of objects, they acquire final velocities VA and VB respectively, VA and VB respectively in time t, small time t के अंदर. भाई initial से final पहुंचने में time तो लगता है, वो time t मान लिया हमने, इतने time में पहुंचती है initial velocity से final velocity. ठीक है, right, full stop. अब इसके बाद ये diagram बना लो बेटा. ठीक है, ये diagram आप बना ले फटाफट. इसको हालांकि वीडियो को पॉज करके आप आराम से डायग्राम को बना सकते हैं. यस, यू कैन पॉज दिस वीडियो. और आपको ये अभी नहीं लिखना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं. वीडियो के रिपीटेशन में आप इसको देख सकते हैं. दिस यू हैव टू मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से इस डायग्राम को बना लीजिए. ठीक, ओके, अब आगे चलते हैं. अब क्या हुआ कि आपको यह बताना है कि अब इसमें क्या क्या चीज लग रही है. अब इसमें फोर्स लगाना, FAB एंड FBA. एक बात सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है A, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B. अगर मैं इससे इसको टकरा दूं तो किसने किस पे फोर्स लगाया? इस वाले ने, A बॉडी ने B पे फोर्स लगाया. A इज अप्लाइंग फोर्स ऑन B. अगर A के ऊपर, अगर आपने B के ऊपर फोर्स लगाया, A ने B से टकराया तो B के ऊपर फोर्स लगा, तो किसकी वेलोसिटी में चेंज होगा? B की वेलोसिटी में चेंज होगा. और अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको मूव कराया, तो A के ऊपर अगर फोर्स लगाए तो A की वेलोसिटी में चेंज होगा. जिस पे फोर्स लगाओगे उसी की वेलोसिटी में चेंज होगा ना. अब मान लो कि आप रास्ते में खड़े अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और आपसे टकरा जाता है, तो फोर्स किस पे लगा? आप पे लगा ना. किसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ? आप गिर गए. तो जिस पे फोर्स लगेगा उसी की वेलोसिटी में चेंज होगा ना. यही हमको अब यूज करना है. ठीक है, देखो, तो लिखेंगे नाउ बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग On A by B, A body के ऊपर force लगाया B ने, तो क्या आएगा? FAB, इसको हम ऐसे लिखते हैं, force acting on A by B. और आपने इसका formula पढ़ा था, is equal to delta PA upon T, rate of change of momentum. आपको पता है proportionality sign आता है यहाँ पे, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाते हैं तो इज इक्वल टू आता है एक साइन, और फिर आता है के. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि के की वैल्यू 1 हो जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि के को मैं छोड़ देता हूं यहां पे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है. FAB A के ऊपर फोर्स लगाया है तो A के मोमेंटम में चेंज होगा, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा PA / T. अब डेल्टा PA को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा PA को लिखेंगे MAVA, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ A माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ A / T. This is the final momentum of A. A का mass into A की velocity. Final velocity of A into mass is equal to final momentum of A. Initial velocity of A into mass is equal to initial momentum of A. A पे force लगा है तो A के momentum में ही change होगा. Clear? Similarly, force acting
फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय, तो बी पे फोर्स लगा, ए ने लगाया तो बी पे लगा फोर्स, तो पहले बी लिखेंगे, जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो फोर्स लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी आएगा डेल्टा पी बी अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम बी होगा इस बार, तो क्या लिखेंगे इसको, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, राइट बेटा, ठीक है। अब क्या एक्शन रिएक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आप दोनों से टकराए तो एक फोर्स लगा इधर की और एक फोर्स लगा इधर, ए वाला बी से टकराया, एक्शन हुआ ए पर, एक्शन हुआ बी पर, रिएक्शन हुआ ए पर, यानी कि दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या अब क्या लिखेंगे इसके बाद, ये आपने नोट कर लिया, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, एक्शन किस पे हुआ, एक्शन हुआ बी पे, क्योंकि ए वाला बी से जाकर टकराया तो एक्शन बी पे हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी, आप ए ये था बी ये था, ए बी पे टकराया तो एक्शन किस पे हुआ, ए पे हुआ, और उसका रिएक्शन किसको मिला, ए को, ए वाला बी से टकराया तो एक्शन बी पे हुआ और रिएक्शन मिला ए को, ठीक है बेटा, राइट। तो अब देखो फिर, अब इसके बाद क्या होगा, देखो आगे एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है, एफ ए बी की वैल्यू ये लिखी हुई है, एफ बी ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, एफ बी ए की जगह आपके पास ये था एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस, यही आ जाएगा एम ए बी ए माइनस एम बी यू ए अपॉन टी, ठीक है, मैं इसको सेव उससे लिख देता हूँ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, माइनस साइन है, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बदल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, फाइनली टी से टी कैंसिल हो गया, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए वी ए एम ए यू ए एम ए यू ए। तो अब क्या करना है, यू वालों को एक साइड ले लो और वी वालों को एक साइड ले लो, तो कैसे होगा, इस नेगेटिव वाले को इधर ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे पॉजिटिव आ जाए, तो दिस इज एम, इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है, दिस इज सबस्क्रिप्ट, ध्यान रखना है, दीज आर सबस्क्रिप्ट, नीचे इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये आपके पास आ गया, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसको हम क्या लिखेंगे, v और v दोनों एक साइड पे आ गए, v वाली साइड कौन सी होती है, फाइनल वाली साइड, फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ a, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ b, तो इन दोनों को क्या लिखेंगे हम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज द प्रूफ, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये कैसे पता कि आफ्टर है, बिकॉज दीज आर फाइनल वेलोसिटीज, वो बाद में होती है, और ये कौन सी इनिशियल वेलोसिटीज है, तो ये बिफोर कोलिजन है, क्लियर बेटा। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक ही है, सबसे बड़ा डेरिवेशन है, सबसे ज्यादा मार्क्स का भी यही आता है, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस, ठीक है, इसको रिविजन करना है अच्छी तरीके से, लिख लिख के बार बार, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, यू हैव टू राइट स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट कंसिडरेशन, यू हैव टू मेक डायग्राम्स एंड देन प्रूफ, कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ना, बिल्कुल तमीज से लिखना है।
ठीक है बेटा, राइट। सो बच्चे नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज एग्जांपल नंबर 9.6। चेक इट, एग्जांपल नंबर 9.6। एंड व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 22 किलोग्राम व्हाट इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। अब होता क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। सबसे पहले वी हैव टू केसेस, ये ढंग से समझना है। एक गन है, उसके अंदर बुलेट है। कब, बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग क्या होता है, बुलेट इज इनसाइड द गन, वो बाहर नहीं अंदर है। ठीक है, एंड आफ्टर फायरिंग क्या होता है कि आप जैसे जैसे बुलेट फायर करते हो तो बुलेट जा रही है ऐसे, तो फिर गन पीछे हटती है, गन रिकॉयल करती है, बैक साइड जाती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि गन जो बैक साइड जाएगी, रिकॉयल करेगी, वो किस वेलोसिटी से करेगी, व्हाट इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, ये बताना है। सो वी हैव टू केसेस इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इज बिफोर फायरिंग, सेकेंड वन इज आफ्टर फायरिंग। तो अब बिफोर फायरिंग क्या है, इसको ढंग से समझने के लिए और चीज को ईजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं मान लेता हूं कि गन इज टेकन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड बुलेट इज टेकन एज सेकंड ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं गन इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, गन एंड बुलेट। तो गन को मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, बुलेट को सेकंड ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या गिवन है आपको, M1, M1 का मतलब मास ऑफ गन, क्योंकि मैंने गन को क्या मान रखा है, वन मान रखा है। तो अगर मैं M1 लिखता हूं तो मास ऑफ गन होता है इसका मतलब। व्हाट इज मास ऑफ गन या मास ऑफ पिस्टन, ठीक है, मैं गन की जगह यहाँ पे पिस्टल लिखा है तो पिस्टल लिख लेते हैं। पिस्टल ऑफ मास 2 kg, तो M1 इज इक्वल टू 2 kg, पहली बात। ठीक है बेटा, ये तो थोड़ा डायग्राम के हिसाब से था, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग। M1 इज इक्वल टू 2 kg मास ऑफ गन, ठीक है, एंड M2 इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट इज व्हाट, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, और 20 ग्राम को भी kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI यूनिट, बिकॉज़ इट इज आल्सो गिवन एन SI यूनिट। That means 20/1000 is equal to 0.02 kg, ठीक है ना, ग्राम्स को आपको केजी में चेंज करना है, 0.02 kg। तो बुलेट का मास भी आ गया, गन का मास भी आ गया, अब क्या करना है, अब आपको लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो क्या है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, By law of conservation of momentum. अगर हमने ऑब्जेक्ट को 1 और 2 करके मान रखा है तो हम उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट जब A और B होते हैं तो क्या लिखते हैं, MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBUVB, है ना, जब A और B ऑब्जेक्ट होते हैं। बट वेन द ऑब्जेक्ट आर 1 और 2, ये काफी कन्वीनियंट होगा याद करना, देन M1U1 plus M2U2 is equal to M1V1 plus M2V2। ठीक है, तो लिख लेना इसको, देखो M1U1 plus M2U2 is equal to M1V1 plus M2V2. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. अब क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है हमको। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा इसके बाद से, राइट। बट बिफोर दैट चेक कि व्हाट इज U1, व्हाट इज U2, व्हाट इज V1, व्हाट इज V2। मास तो आपको पता लग गया दोनों के, ठीक है, दिस इज द इनिशियल केस बिफोर फायरिंग, जैसे बिफोर कॉलिजन होता है। ठीक है, We have U1 and U2, दो चीजें। अब U1 किसकी velocity है और U2 किसकी velocity है? One मैंने किसके लिए बोला है? Piston के लिए। जहाँ जहाँ मैं one लिखता हूँ, इसका मतलब मैं pistol के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, उसको मैं bullet के लिए लिख रहा हूँ। तो U1 का मतलब है initial velocity of gun before firing। जब तक gun fire नहीं हुई थी, what is the initial velocity? Zero। ठीक है? What is the initial velocity of bullet? U2 का मतलब initial velocity of bullet। जब तक fire नहीं हुआ था, तो bullet की speed क्या थी? जीरो। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, आफ्टर फायरिंग बुलेट की स्पीड दिस इज V2 एंड गन की स्पीड दिस इज V1। V1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल एंड V2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट को किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से आपने फायर किया, 150 मीटर पर सेकंड, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो यहां पे लिख देंगे हम इसको 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड V1 इज वॉट, दैट टू फाइंड आउट, यही तो बताना है कि जो पिस्टल है वो किस वेलोसिटी से पीछे जाती है। तो अब क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं, M1 U1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1?
चेक फ्रॉम दिस 2 के जी 2 इंटू यू वन इज वॉट 0 प्लस एम टू इज वॉट एम टू इज 0.02 इंटू यू टू इज 0 ठीक है इज इक्वल टू एम वन इज 2 के जी इंटू वी वन ढंग से वैल्यू रखनी है बहुत ध्यान से वी वन वी डोंट नो सो राइट वी वन ओनली ठीक है प्लस एम टू इज वॉट एम टू इज अगेन 0.02 इंटू वॉट इंटू वी टू वॉट इज वी टू 150 मीटर पर सेकेंड तो क्या आएगा सॉल्व करके चेक करो बेटा 2 इंटू 0 इज 0 0.02 इंटू 0 इज 0 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज 0 एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द राइट हैंड साइड में क्या बचता है आपके पास 2v1 प्लस 150 इंटू 0.02 150 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 यस 3 ठीक है तो अगर ये 3 आ गया तो अब क्या आएगा बेटा 3 को इधर ले आओ या 2v1 को इधर ले आओ तो वी कैन राइट -3 इज इक्वल टू 2v1 दैट मींस v1 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकंड v1 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकंड इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कि व्हाट द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग दिस आफ्टर सॉल्विंग द लास्ट टर्म वी आर गेटिंग v1 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग ऑफ द गन अब जब आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक लाइन जरूर लिखनी होती है वो क्या लाइन लिखनी है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर तो आपको लिखना होगा हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन इज मूविंग बैकवर्ड दैट मींस गन इज रिकॉइलिंग जिधर बुलेट जा रही है उसके अपोजिट साइड में आपके पास गन जा रही है पिस्टल जा रही है ठीक है सो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट द गन इज मूविंग बैकवर्ड ठीक है और रिकॉइलिंग क्लियर है बच्चे This is the one way of doing this question. एक दूसरा method आपको NCERT में भी दे रखा है वो method नहीं है basically वो कोई different method नहीं है बस उसमें क्या करते हैं आप ये जो m1 u1 plus m2 u2 है इसको by default पहले से ही zero मान रखा है और उसको solve नहीं कर रखा है लेकिन मैं बोलूंगा आपको prescribe करूंगा कि अगर आप इस तरीके से इसको use करते हैं it will be always comfortable for you जिससे आप sign में भी कभी गड़बड़ नहीं करोगे ना value में गड़बड़ करोगे बाकी rest the option is with you ठीक है आप जैसे करना चाहें either you have two options either you do it by this or you do it exactly as NCERT बस ये ध्यान रखना है ठीक है बेटा कोई इधर उधर का फालतू मेथड नहीं लगाना है क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे सॉल्व कर देते हैं आंसर भी सही आता है लेकिन वो इनसफिशियंट होता है उसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है राइट बेटा सो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन अब क्या करना है आपको अब आपको ये करना है कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जितने एग्जाम्पल आपको NCERT में दे रखे हैं उसे आप ढंग से करेंगे ठीक है थ्योरेटिकली द चैप्टर इज ओवर क्योंकि आपके टॉपिक यहां तक थे अब आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर सॉल्व एग्जांपल जो दे रखे हैं उन्हें आप ढंग से करिए देन यू गो फॉर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ठीक है जहां पे आपके पास सॉल्व क्वेश्चन है तो इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट न्यूमेरिकल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक एज वेल एज द टॉपिक्स रेस्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर जितने भी टॉपिक इसके अंदर बनते हैं चैप्टर के अंदर उसके मिले जुले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सो नेक्स्ट क्लास विल बी द न्यूमेरिकल क्लास क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे बट टिल देन सारी चीजें ढंग से रिवाइज करिए प्रॉपर नोट्स बनाइए ठीक है और अपने कंसर्न टीचर से जरूर कॉन्टेक्ट करें व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग एनी डाउट ओके बेटा सो टेक केयर ऑल द बेस्ट एंजॉय